आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ प्लांट्स आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये आपके पास टेबल दे के रखा है 118 से लेकर 126, और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, अब आपके पास निकालना है इसमें फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, और हिंट दे के रखिए कि आपने जो क्लास इंटरवल लेना है वो लेना है 117.5 से लेकर के 126.5, यानी कि इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे और इसमें हमें 0.5 ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसका देखो, ये आपके पास दे के रखा है ऑलरेडी। तो क्लास इंटरवल क्या आ जाएगा इसका? क्लास इंटरवल में आ जाएगा 117.5 से लेकर के 126.5। अब यहाँ पर 126.5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है, 135 है ना बुक में, तो 135.5 आ जाएगा। उसके बाद 135 को यहाँ रखोगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 144.5 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगला करेंगे तो यहाँ पर 144.5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 153.5 आ जाएगा। यानी कि एक को कम कर दो, एक को 0.5 बढ़ा दो, तो 153.5 यहाँ आ गया और 162.5 यहाँ आ गया। सेम यहाँ पर कितना आ जाएगा, 162.5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 171.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 171.5 को रखेंगे और यहाँ पर 180.5 कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ तक जाना था ना आपने। अब आपके पास क्या दे के रखा हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी है, यानी कि एफ आई दे के रखा हुआ है। एफ आई हमारे पास क्या है, 3, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2। अब निकाल देंगे हम यहाँ से, यानी कि इसका टोटल कर लेंगे। समीशन एफ आई हमारे पास टोटल आएगा, टोटल करके जब हम इनको ऐड करेंगे वो आएगा 40। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 40, और एन बाई टू आप यहाँ से निकाल दो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ से आप निकालोगे सी एफ, तो सी एफ मैंने आपको बताया था कैसे निकलता है। मीडियन निकालने की सिर्फ सी एफ, एफ आई और इस क्लास इंटरवल की ज़रूरत होती है। तो ये तो 3 का 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 को प्लस कर देंगे 3 से 8 आ जाएगा, 9 को ऐड कर देंगे 8 से तो हमारे पास 17 आ जाएगा, उसके बाद 12 को 17 से ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। उसके बाद 5 को 29 से ऐड कर देंगे 34 आ जाएगा, 34 को इसके साथ ऐड कर देंगे 38 आ जाएगा, 38 को 2 से करेंगे तो 40। अब देखो यहाँ पर 40 और इसका सम 40, तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब करते हैं इसका मीडियन निकालेंगे। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए हमें पता है मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब सबसे पहले तो यहाँ पर देख लो अपना सी एफ क्या है। ठीक है, सी एफ क्या है, एन बाई टू, एन बाई टू तो हमने 20 निकाल दिया। अब यहाँ देखो 20 हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, देखो 20 यहाँ पर लाई कर रहा है, या फिर याद रखो कि ये कितने काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/2 यानी कि 4, 3.5 आएगा, अगला लेंगे उसका 4, 1, 2, 3, 4, तो ये बन गया मेरा क्या, एफ। और इसके बिल्कुल सामने ये जो है ये लोअर लिमिट 144.5। अब सी एफ क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी के सामने से ऊपर वाला, ये सी एफ आ गया। ठीक है, तो हम जो जो हमें मिल गया उसको लिख लेंगे, तो एल आ गया 144.5 प्लस एन बाई टू हमने निकाल दिया 20 माइनस सी एफ हमारा आ गया 17 और एफ हमारा आ गया 12। और एच देखो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, यानी कि क्लास इंटरवल क्लास साइज जो है हमारा इसके बीच का 9 है। ठीक है, इसके बीच का 9, तो इंटू 9 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ से जो जो कैलकुलेशन है उसको कर लेंगे इजी। 144 प्लस यहाँ पर इसको माइनस किया कितना है, 3 अपॉन यहाँ पर 12 है और इंटू 9, तो ये आ गया 3 4 12। अब यहाँ के लिख सकते हैं 144 प्लस 9/4 हम आराम से लिख सकते हैं। अब 9/4 को क्या करो, 9/4 को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 144.5, और 9/4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.25। ठीक है, 2 प्लस 2.25, तो आंसर कितना आ गया, 146.75 हमारा मीडियन निकल के आ गया। ठीक है, एमएम भी आप लिख सकते हो आंसर में, ये हमारा आंसर रहा। सिर्फ इस क्वेश्चन में मिलीमीटर की बात की थी इसलिए मैंने मिलीमीटर लिख दिया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्लास इंटरवल दी है और फ्रीक्वेंसी दी है।
क्लास इंटरवल 1500 से लेकर 2000 और लास्ट हमारा 5000 तक का है। इसमें देखो जो फ्रीक्वेंसी है, अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर 14 है, फिर बढ़ गया, उसके बाद दोबारा से बढ़ा, फिर बढ़ गया, ठीक है, 74 दोबारा से कम हो गया। तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी है। अगर यहाँ बढ़ता चलता, ठीक है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता तो हम क्या बोलते हैं, ये कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पर क्या अलग अलग आ रही है वैल्यू, तो ये क्या है हमारा सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब इसका हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, समीशन एफ आई निकाल लेंगे। तो समीशन एफ आई जब हम टोटल करेंगे, देखो टोटल करके रखा है मैंने, तो मेरे पास आया है 400 ये आ चुका है। तो एन अपॉन टू कितना आ जाएगा, 400/2 यानी कि 200 आ गया। अब निकाल लेंगे हम यहाँ पर सी एफ, तो सी एफ कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है। इसको तो ऐसे लिख देंगे, अब 56 को इसके साथ प्लस कर देंगे हमारे पास 70 आएगा, इसको इसके साथ कर देंगे तो 130 आएगा, इसको इसके साथ प्लस कर देंगे 216 आएगा, इसको इसके साथ प्लस कर देंगे 290 आएगा, इसको इसके साथ प्लस कर देंगे 352 आएगा, और इसको कर देंगे तो 400 आएगा। देखो ये 400 आ गया, ये भी 400 टोटल आ गया, इसका मतलब कैलकुलेशन बिल्कुल सही आई है। अब अगला काम क्या है हमारा, मीडियन निकालना। तो मीडियन का फॉर्मूला हमें पता है, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो यहाँ देखो एन बाय टू कितना आया, 200। अब 200 यहाँ पर कहाँ पे आएगा भाई, 200 हमारा आ जाएगा इस 216 पे, ठीक है, 216 पे आ गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ जाएगी, ये 86। और सिंपल मैंने आपको बताया, ये सारे काउंट कर लो, काउंट करने के बाद डिवाइड कर दो, जो आएगा बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एफ, और ये आ गई इसकी लोअर लिमिट, 3000 आ गई लोअर लिमिट, और साथ में ये आ गया फ्रिक्वेंसी सामने से ऊपर वाला, ये आ गया सी एफ। तो जो जो आ गया उसको पुट कर देंगे, 3000 रखो, 3000 प्लस एन बाई टू का मतलब 200 माइनस सी एफ कितना आया भाई, 130 हमारे पास सी एफ आया, अपॉन एफ आया 86, और एच हमारे पास कितना है, इसके बीच का गैप है 500 इंटू 500। तो ये तो आ गया 3000 प्लस, इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, 70 आ जाएगा, 70 इंटू 500 अपॉन 86 आ गया, ठीक है। अब जो आप लोग काट सकते हो उसको आराम से काट दो। तो यहाँ पर इसको काटेंगे हम 2 के टेबल से, तो ये आ जाएगा 35, और ये कितना आ गया, 2 4 8 और 2 3 6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35 को हम 5 के साथ। तो 35 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, हमारे पास आएगा 17500। तो 3000 प्लस 17500 अपॉन 43। अब इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, तो 3000 प्लस इसको डिवाइड करके हमारा आएगा 406.976, ठीक है। इसको आप ऐड कर लेंगे, ऐड करने पे हमें जो मिलेगा उसको हम आराम से लिख सकते हैं, ऐड करने पे हमें मिलेगा 3406.976, और यही हमारा इस पार्ट का आंसर है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5th। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो बचते हैं, उनको भी अभी कर लेंगे। देखो ध्यान से किया करो इन क्वेश्चंस को, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल सही तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा, अगर कैलकुलेशन में अगर आपकी थोड़ी सी भी गलती हो तो पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्लास इंटरवल दिया 1 से 4, और लास्ट है हमारे पास 16 से लेकर 19 तक। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, साथ में हमें इसमें निकालना है मीन, मीडियन और मोड, तीनों हमें इसमें फाइंड आउट करने हैं। तो जब भी ये तीनों फाइंड आउट करने हो तो हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको निकाल लो। समीशन एफ आई कितना आ गया हमारा, समीशन एफ आई यानी कि इसका टोटल आ गया 100, ठीक है, इसका टोटल रख दो 100। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे हम एक्स आई, ठीक है। एक्स आई को निकालने से पहले सी एफ निकाल लेते हैं, सी एफ भी निकाल लो, सी एफ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 में ऐड करेंगे 36 आ जाएगा, इसमें इसको ऐड करेंगे 76 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 92 आ जाएगा, यहाँ 96 आ जाएगा, और ये 400 आ जाएगा, ठीक है, ये सेम हो गया। अब हम यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं एक्स आई, एक्स आई निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे अपॉन 2, यानी कि इसको ऐड करने पर हमें कितना मिला, 5/2 यानी कि 2.5। अब इसके बीच का गैप कितना है, 3 का, तो आगे आगे 3 बढ़ाते चलो, 5.5 आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा, 11.5 आ जाएगा, उसी तरह से 14.5 आ जाएगा और 17.5 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स आई भी निकल गया, एक्स आई निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं,
यू आई, यू आई यानी कि इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो ए हमारा क्या आ जाएगा, ए हम कहाँ से ढूंढते हैं भाई, इस एक्स आई से। एक्स आई से ए कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन 2 करेंगे तो 8.5 के आ गया ए। ठीक है, ये कितना आ गया, ए आ गया, इसको ए लिख दो। तो यहाँ पर 0 लिखो, -1 -2, यहाँ पर 1 2 3। उसके बाद क्या निकालते हैं हम, एफ आई यू आई, 6 2 12, -30, 0 16, 2 4 8, 4 3 12। ठीक है, इसको अलग कर दो, इसको अलग ऐड कर दो। यहाँ पर इसको किया तो कितना आया, 42 माइनस के यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा, 8 2 10 और 6 16, 3 36। ठीक है, तो इसको कर देंगे अब हम क्या, समीशन एफ आई यू आई कितना आ गया हमारा, -42 + 36 यानी कि माइनस के 6। ठीक है, माइनस का आ गया 6। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर मीन निकाल लेंगे। तो मीन कैसे आएगा, मीन इक्वल टू हमें पता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट लगाएंगे समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास आया 8.5 प्लस समीशन एफ आई यू आई हमारा हमारे पास आया -6, और ये हमारे पास आया है 100 × 3। तो 8.5 को एज इट इज़ रहने देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लगा दो, 6 3 18 अपॉन 100 कर देंगे। अब देखो इसको डिवाइड किया तो कितना है, 8.5 - 0.18, और इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.32। ये निकल गया मीन। अब बात करते हैं हम मोड की, तो मोड कैसे निकलता है भाई, मोड निकालने का फॉर्मूला है मोड इक्वल टू एल प्लस f1 - f0, या फिर f0, या 2f1 - f0 - f2 इंटू एच। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें हम इसमें फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो हमें चाहिए लोअर लिमिट, सॉरी f1, f1 इसमें देखो फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे तो f1 यानी कि सबसे बड़ा जो टर्म है वो क्या है, 40। ठीक है, तो ये आ गया मेरा f1, f1 आ गया, इसके ऊपर वाली टर्म f0 और इसके नीचे वाली टर्म f2, और साथ में लोअर लिमिट क्या आ गई, ये 7 आ गई, साथ में एच हमारे पास गिवन है 3। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या क्या वैल्यू आई हमारे पास, एल यानी कि एल आ गया हमारे पास 7। ठीक है, एल आ गया 7 प्लस f1 आ गया 40, माइनस कर देंगे 30 अपॉन 2 × 40 -30 - 16 × 3। 7 प्लस 40 में से माइनस किया 30, कितना आ गया 10। ठीक है, 10 अपॉन कितना आ गया अब 80, माइनस कितना कर देंगे इसको, ऐड कर देंगे 46 और × 3। ठीक है, तो 7 प्लस कितना आ गया 10 अपॉन 80 में से 46 को माइनस किया, हमारे पास बचेगा 34 × 3। अब इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, 7 + 30 अपॉन 34। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस 30 अपॉन 34 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 7 + 0.8823। ठीक है, 0.8823 मिला, इसको प्लस कर देंगे तो 7 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7.88 भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, 7.88 भी आ सकता है, या फिर 23 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा मोड। अब निकालते हैं मीडियन। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 - CF/F × H। अब देखो n/2 तो हमें पता है कितना आ जाएगा, n/2 यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ लिख लो n/2 इक्वल टू 100/2 इक्वल टू 50। अब हमें चाहिए क्या क्या, CF, एक चाहिए CF, एक चाहिए F और L। ठीक है, H हमें पता है कि 3 आएगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे। अब CF में देखो, CF में हमारे पास जो है वो 76 क्या दिख रहा है हमें, कितना आया हमारा 50 ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है 50 के करीब करीब ही है, तो 40 हमारा क्या आ गया, F आ जाएगा। ठीक है, 40 हमारा F आ जाएगा, और साथ में CF हमारा 36 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये तो आ गया मेरे पास F, ठीक है ना, 40 आ गया F, और इसके बिल्कुल सामने से ऊपर वाला ये CF आ गया, और लोअर लिमिट इसी की चेक करेंगे तो 7 ही आएगी, ठीक है। तो सब कुछ मिल चुका है, वो लिख लेते हैं इसमें क्या क्या मिल गया हमें। देखो हमें क्या क्या मिल चुका है, CF आ गया हमारा 36, F आ गया हमारा 40, और L आ गया हमारा 7, ठीक है। वैल्यूज को पुट करेंगे तो जो जो हमारा फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज रखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस n/2 हमारा 50 है, -36/40 × 3। तो 7 प्लस इसको माइनस किया कितना आया, 14, ठीक है, 14/40 × कर देंगे 3। तो 7 प्लस 14 को 3 से करेंगे कितना आएगा, 50 43 42, ठीक है, 42 आएगा अपॉन 40। अब इसको हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 42 को 40 से डिवाइड किया तो 7 प्लस ये आ जाएगा 1.05 आएगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 8.05, यही हमारा क्या है, मीडियन, ठीक है, ये निकल गया मीडियन। इसी तरह से हमने मीडियन भी निकाल दिया, मीन भी निकाल दिया, और मोड भी निकाल दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सिर्फ मीडियन निकालना है, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास CI यानी कि क्लास इंटरवल दिया 40 से 45, और लास्ट दिया 70 टू 75। फ्रीक्वेंसी दे के रखी है, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, CF। तो CF निकालने के लिए 2 as it is 5, 8 + 3 कितना आ जाएगा, सॉरी 8 + 5 13, और इसको 19 आ जाएगा, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और ये 28 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 30 आ जाएगा। अब इसका जो टोटल आएगा ना समीशन FI, वो भी हमारा 30 आएगा। n/2 कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करो, मीडियन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, मीडियन इक्वल टू L+n/2 -CF/F×H। L n/2 तो हमें लग गया पता कि 15 है, अब हमें चाहिए CF और F, ठीक है। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि 15 आया तो 15 यहाँ पर ढूंढ लो कहाँ पे आएगा भाई, 15 हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस 19 पे, यानी कि ये इसके बिल्कुल सामने वाला क्या बन गया, F, ठीक है, ये आ गया F, और F के बिल्कुल सामने से ऊपर वाला CF, और F के सामने बिल्कुल लोअर लिमिट आ गई। या फिर आप ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7/2 3.5 यानी कि 4, तो 1 2 3 4, देखो बिल्कुल एक्यूरेट हमारा आ गया। तो L कितना आ जाएगा, L आ गया हमारा 55, +n/2 हमें हमने निकाला 15, -CF कितना निकला, 13/F कितना आया, 6 × H में हमारे पास कितना है, इसका गैप है 5 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 55 प्लस इसको माइनस कर देंगे तो 2 आएगा, और × 5 कर दो, /6 कर दो, कितना आ गया, 55 प्लस 10/6, तो इसको काट लेंगे, 2 5 10, 2 3 6, ठीक है। तो 55 प्लस 6/5/3, इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पे हमें कितना मिलेगा, 55 प्लस 1.67 समथिंग आएगा, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे तो 55 को इससे करेंगे तो कितना आएगा, 56.67 आंसर, ठीक है। अब आपके पास इसमें क्या बोला था कि केजी, केजी में निकालना था, किलोग्राम आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 14.3। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन आपको समझ आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।